नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और प्राइम टाइम एट 9 में आपको तमाम बड़ी खबरें हम दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं ग्वालियर में। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम और स्टाफ जुमे की नमाज के लिए मस्जिद नहीं पहुंच सके, सुरक्षा कारणों के चलते ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश टीम को होटल में ही शहर काजी की मौजूदगी में नमाज अदा कराई गई। दरअसल बांग्लादेशी टीम ने मोती मस्जिद में नमाज करने की मांग की थी, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के चलते कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच खेला जाना है, तो इस मैच के लिए ही बांग्लादेश की टीम ग्वालियर पहुंची हुई है, लेकिन यहां पर सुरक्षा कारणों के चलते आज जुमे की नमाज, क्योंकि आज शुक्रवार जुमे की नमाज होनी थी, लेकिन उसको अदा नहीं कर सकी बांग्लादेश की टीम मस्जिद जाकर। हालांकि होटल में ही नमाज अदा करने की तैयारी की गई थी। करतार सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, ग्वालियर पहुंच गई है बांग्लादेश की टीम और भारी विरोध के बीच पहुंची हुई है, और इस विरोध के क्या पहलू नजर आ रहे हैं बताइएगा। देखिए, जिस दिन से भारत बांग्लादेश का अनाउंस हुआ कि मैच होना है, भारत में टी ट्वेंटी का मैच होना है, उस दिन से ही हिंदू संगठन यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका साफ कहना था कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जो बर्बरता हुई है उसको लेकर हम बांग्लादेश की टीम को यहाँ आने नहीं देंगे, और उसका विरोध प्रदर्शन लगातार उनके द्वारा किया जा रहा। आज जामा मस्जिद, आज जो मोती मस्जिद में आज नमाज अदा करनी थी, जुमे की नमाज थी। बांग्लादेश की टीम ने इच्छा जाहिर की कि हमें मोती मस्जिद है उसमें नमाज है वो अदा करनी है। वहां नमाज के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन को और पुलिस को इनपुट मिला के यहाँ सुरक्षा को लेकर, टीम की सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है, जिसके चलते एंड टाइम पर जो नमाज अदा करनी थी वो वहां से पोस्टपोन की गई, और उसके बाद में जो रेडिसन होटल में बांग्लादेश की टीम ठहराई गई थी वहीं पर शहर काजी को बुलाया गया और नमाज वहां अदा की गई। तो निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन नहीं चाहता कि किसी प्रकार से बांग्लादेश की टीम के साथ कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए। लगातार जिस तरीके से हिंदू संगठन सहित तमाम जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए लगातार जो प्रशासन है उसकी निगाहें बनी हुई है। आज जिस तरीके से जो नमाज अदा होनी थी वो वहां से स्थगित की गई और होटल के अंदर ही नमाज को अदा करवाया गया। तो निश्चित तौर पर ऐसी तरह की तमाम बातें हैं। परसों मैच होना है, जरूरी भी है कि टीम अगर यहां पहुंची है तो उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाए। शुक्रिया करतार आपका।